हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें होंगी वहाँ पे, किस तरह से एडमिशन होगा, क्या सैलरी होगी आपकी, कहाँ जॉब मिलेगी, मतलब सारी चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में, हम सारी चीजें बताने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस, आइए देखते हैं हम कि बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आपके लिए। तो अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड करते हैं तो वहां पे से हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो हमारे पास होगी बायोलॉजी, एक होती टेक्नोलॉजी। तो मतलब कि यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी में, दो कॉम्बिनेशन, एक बायोलॉजी का एक टेक्नोलॉजी का। अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में काफी सारे कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं हमारे सामने, जैसे कि होगी हमारे पास इंजीनियरिंग होगी, केमिस्ट्री होगी, जेनेटिक होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी और माइक्रोबायोलॉजी होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में आ जाती है, मतलब ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, तो बात करते हैं अप्लाई होने की, तो एनिमल हस्बेंड्री जो होती है वहाँ पे अप्लाई होती है, हमारा जो एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे अप्लाई होती है, हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन और कंजर्वेशन होता है वहाँ पे अप्लाई होती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक जो डेवलपमेंट हुई थी एंटीबायोटिक की, वो बायोटेक्नोलॉजी से ही हुई थी, बायोटेक्नोलॉजी से ही एंटीबायोटिक आई है। अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट स्टेप की, जो कि बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप की थी, वो थी हमारे पास फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो थी वो लुईस पाश्चर, जो कि ग्रेट बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन की डेवलपमेंट की थी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये सबसे पहला स्टेप था बायोटेक्नोलॉजी का। अगर हम बात करते हैं कोर्स और ड्यूरेशन की, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 12th पास करनी होगी, वो भी साइंस साइड से। साइंस साइड से मतलब कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए, ये तीन तो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी कितने प्रोग्राम में डिवाइडेड है, तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है डिप्लोमा, जैसे कि आप देख सकते हैं डिप्लोमा में कौन कौन से डिप्लोमा होते हैं, और उसके बाद आता है हमारे पास यूजी कोर्स, उसके बाद हमारे पास आता है पीजी कोर्स। तो ये सारे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप मान लीजिए आप बायोटेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम अगर आप बायोटेक्नोलॉजी आपने ले ली है और उसके बाद आप सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ेंगे यहाँ पे, तो वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के कई बार डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेज में ये कॉमन सब्जेक्ट होने चाहिए। सबसे पहला आता है हमारे पास फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर केमिकल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर जेनेटिक, फिर एग्रीकल्चर, और भी कुछ हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें कॉलेज पर डिपेंड करती है कई बार। अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी होती है, तो स्पेशलाइजेशन होती है यहाँ पे जेनेटिक, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, और भी काफ़ी सारे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एडमिशन की, तो एडमिशन यहाँ पे कई जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो आपको कई बार एंट्रेंस नहीं लेते हैं आपका, वो आपकी मार्कशीट के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं, और कई जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस के बेसिस पे, तो आपके काफ़ी सारे एंट्रेंस होते हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं जेई मेंस की, जो कि CBSE कंडक्ट करवाती है जेई मेंस का एंट्रेंस। अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे हमारे पास काफ़ी सारे हैं एंट्रेंस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। अगर आप बात करते हैं एमटेक की, तो एमटेक करने के लिए आपको गेट का एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एमटेक कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जॉब की, तो जॉब आप प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। फिर उसके बाद फार्माक्यूटिकल कंपनीज होती हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट रिसर्च जो लैब होती हैं, जहाँ पे रिसर्च होती है,
वहाँ पे भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की जो रिसर्च लैब होती है वहाँ पे भी कर सकते हैं, और भी काफी सारी जगह जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जॉब टाइटल की, तो जॉब टाइटल इसमें क्या क्या होता है, तो जॉब टाइटल होता है आपका लैब टेक्नीशियन, रिसर्च साइंटिस्ट, उसके बाद टीचर, उसके बाद आता है साइंस राइटर, फिर उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग में जो अगर आप फ्रेशर रहेंगे तो 20,000 से लेकर 25,000 तक हो सकती है। अगर फिर आपने एमटेक कर ली या एमएस कर ली या पीएचडी कर ली, तो उसके बाद आपकी जो एनुअल की जो मतलब साल की इनकम जो हो सकती है वो 2.5 लाख पहुंच सकती है, और जितना जितना आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा उतनी उतनी सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करना ना भूलें, कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरीज हो प्लीज कमेंट जो लिखेगा हम उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर नेक्स्ट नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, बाकी आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।